पेपर टू क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में हमें एक फर्स्ट ऑर्डर की गैस फेज रिएक्शन दी है जिसमें रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हो रहा है 2B+C में। इनिशियल प्रेशर हमें गिवन है P0 और टाइम टी पर टोटल प्रेशर गिवन है PT, और हमें T 1/3 टाइम दिया है जिस टाइम पर 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू का रिएक्टेंट ए रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। अब अगर बात करें तो T=0 पर प्रेशर की वैल्यू P0 है। सपोज किसी टाइम टी पर इसमें से पी पार्टिसिपेट कर जाता है रिएक्शन में, और पी अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो प्रोडक्ट बी एंड सी बनेंगे 2P एंड P। तो टाइम टी पर हम टोटल प्रेशर बोल सकते हैं सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, एंड दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, एंड दिस वैल्यू इज P0+2P। सो यहाँ से हम पार्शियल प्रेशर, यहाँ से हम P की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। P वो प्रेशर है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है A का, एंड दिस वैल्यू इज़ PT-P0/2। सो किसी भी टाइम T पर जो A का पार्शियल प्रेशर है P0-P, दैट वैल्यू इज़ 3P0-PT/2। अब क्योंकि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर की अगर इंटीग्रेटेड इक्वेशन अप्लाई करें तो हम बोल सकते हैं कि KT=ln P0/P0-P। सो यहाँ से ln P0-P की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ -KT+ln P0। अब P0-P की वैल्यू हम ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 3P0-PT/2। सो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इक्वेशन को। सो नाउ दिस इज ln 3P0-PT = -KT+ln 2P0। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ दिए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है विच वन इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट ग्राफ हमें ln 3P0-PT का दिया है, और वर्सेस टाइम अगर देखें तो जो गिवेन इक्वेशन है वहाँ से हमें ये दिख रहा है कि ln 3P0-PT वर्सेस टाइम एक नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन दिख रही है जिसका स्लोप है -K एंड इंटरसेप्ट है ln 2P0। सो ये इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन हमें नजर आएगी, और ऑप्शन नंबर ए में हमें ये गिवन है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन बी जो है, दैट इज T1/3 वर्सेस A0, T1/3 वर्सेस A0। अब हमें फर्स्ट ऑर्डर के केस में ऑलरेडी पता है कि फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। किसी फिक्स परसेंटेज को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम या फिक्स फ्रैक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम कांस्टेंट होता है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। सो T1/3 वर्सेस A0 का ग्राफ जो आना चाहिए दैट इज़ कांस्टेंट वैल्यू, बट इस केस में जो ग्राफ दिया है वो नेगेटिव स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन है जो रॉन्ग है। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन सी अगर देखें तो क्योंकि पार्शियल प्रेशर ए का किसी भी टाइम पर नज़र आ रहा है 3P0-PT, सो 3P0-PT का अगर ग्राफ बना रहे हैं इसके ln का टी के साथ तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। सो सी वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। एंड अगर ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी जो बन रहा है दैट इज़ रेट कांस्टेंट विद कंसंट्रेशन। तो हमें पता है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। कंसंट्रेशन की कुछ भी वैल्यू हो रेट कांस्टेंट फिक्स है, दैट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सो रेट कांस्टेंट का ग्राफ जो आना चाहिए दैट इज स्ट्रेट लाइन। सो इन दिस केस अगर देखें तो ऑप्शन ए एंड डी मैच कर रहे हैं, सो दिस इज करेक्ट आंसर। सो फाइनल आंसर इज ए एंड डी।